बता दें कि राजस्थान में दो साल बाद होंगे छात्र संघ चुनाव। सीएम अशोक गहलोत ने दी हरी झंडी। कोरोना की वजह से नहीं हो रहे थे चुनाव, अनुमति के बाद कॉलेजों में राजनीति शुरू हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कोरोना काल के चलते ये चुनाव नहीं हो पाए थे, अब जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखा दी है। तो दो साल बाद होंगे छात्र संघ चुनाव, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रघु गौहर जुड़ गए हैं। रघु, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर, कोरोना काल के बाद अब छात्र संघ के चुनाव होने वाले हैं? बिल्कुल दीपाली, मैं बताना चाहूंगा कि लंबे अरसे बाद लगातार जिस तरीके से जो विद्यार्थी जो संगठन है वो लगातार छात्र संघ अध्यक्ष को लेकर के, चुनाव को लेकर के सरकार को अवगत कराता रहा है। देखा गया था कि 2020 के अंदर जब कोरोना काल की जब स्थिति आई थी तो वहां पर कहीं ना कहीं जब उसके बाद ये जो छात्र संघ चुनाव है नहीं हो पाए थे, तो अब कहीं ना कहीं कल रात्रि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद अपने ट्विटर हैंडल के अकाउंट के खुद उन्होंने शेयर किया है, उन्होंने जानकारी दी है कि इनकी जो छात्र संघ के चुनाव है इसी साल किए जाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने साथ में कहा कि विद्यार्थी जो भारत का भविष्य है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो विद्यार्थी है इनकी पूरी तरह से प्रक्रिया है वो की जाएगी जी। तो इसके साथ लगातार जिस तरीके से राजस्थान को लेकर के जो विद्यार्थी जो अलग अलग संगठन है लगातार मांग करते रहते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर चुनाव को लेकर के जो विद्यार्थी लगातार जो बात करते रहते, तो कहीं ना कहीं अगस्त के अंदर ये चुनाव की जो प्रक्रिया है की जाती थी, तो कहीं ना कहीं अब ये जरूर है कि जो शिक्षा विभाग यानी CBSE के द्वारा जो रिजल्ट है काफी देरी से आए हैं, और वहीं को जो PG कोर्स है उनमें भी कहीं ना कहीं एडमिशन अभी नहीं हो पाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया है एडमिशन की हो पाएगी, फिर उसके बाद काट दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के द्वारा फिर कहीं ना कहीं शेड्यूल जारी किया जाएगा जी। रघु, जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि कोरोना काल के बाद जो है ये चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मामले जो है लगातार कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ इंतजाम जो है वो किए जाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल ही एक ट्विटर के माध्यम से उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि गाइडलाइंस के साथ ही ये प्रक्रिया की जाए चुनाव को लेकर के, क्योंकि कोरोना की भी जो एक व्यापक जो स्थिति देखी गई थी भारत के अंदर, तो ऐसी स्थिति ना हो। हालांकि अभी जो राजस्थान के साथ ही जो अलग अलग राज्य है वहां पर व्यवस्थाओं का इंतजाम किए जा रहे हैं, तो राजस्थान को लेकर के भी अशोक गहलोत जी जो है पूरी तरह सतर्क हैं, और इसको संज्ञान में लेकर के पूरी प्रक्रिया को एक समझाया गया है, और शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि पूरी गाइडलाइंस के साथ ही ये चुनाव कराए जाए जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रघु इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारे संवाददाता रघु गौहर ने भी जानकारी दी, आपको बता दें कि सभी गाइडलाइंस का पालन करने के आदेश जो है वो दिए गए हैं, लगातार अपील की जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से।